Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर, मनोविज्ञान का विद्यार्थी, आपका आपके चैनल हेमंत एएलपी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनोविज्ञान की कड़ी में हम लोग अगला वीडियो देखेंगे, मारिया मॉन्टेसरी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक्स वाले क्वेश्चन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मोर लिखा है वहाँ पे आप दबा के जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप उस लिंक से जाके आप जुड़िए। दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मारिया मॉन्टेसरी। दोस्तों, मारिया मॉन्टेसरी अर्थात श्रीमती मारिया मॉन्टेसरी एक मनोविज्ञान की बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, साहचर्य विधि की जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। अगर आप इतना जानते भी होंगे कि साहचर्य विधि की जनक मारिया मॉन्टेसरी है, तो साहचर्य विधि क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग ऐसा करेंगे कि जो रट्टा मारते हैं वो रट्टा मारने वाला सिस्टम ना रह जाए कि साहचर्य विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी, साहचर्य विधि के जनक मारिया मॉन्टेसरी, ये काम ना रह जाए। क्योंकि अगर उस तरह रटेंगे तो देखिए यहाँ पे तीन कंफ्यूजन आपको मिलेंगे, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। दोस्तों, साहचर्य विधि आखिरकार होता क्या है? तो आपको हम आज ही बता देते हैं कि जहां पर भी साहचर्य लिखा हो, उस साहचर्य का सीधा सा मतलब आप समझिएगा कि वो, समझ लीजिए, लिखा है संबंध। साहचर्य का मतलब क्या होता है? संबंध। अर्थात यहां पे मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि अगर आपको कुछ भी पढ़ाना है तो उसे किसी चीज से संबंधित कर दीजिए जिसे बच्चा पहले से जानता हो, अर्थात पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। जैसे आपको बच्चे को क पढ़ाना है, आपको बच्चे को क वर्ड जो है पढ़ाना है, तो इस क वर्ड का साहचर्य या संबंध जो है आप कबूतर के चित्र से कर दीजिए। कबूतर के चित्र से इसका क्या बना दीजिए? साहचर्य बना दीजिए। अब बच्चा बार बार कबूतर के चित्र को देखेगा और उसी से साहचर्य या उसी से संबंध स्थापित करते 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 वह क वर्ड को बड़े आराम से सीख लेगा। अब यहां पे क वर्ड का संबंध आप कबूतर से इसीलिए बनाए हैं क्योंकि कबूतर उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित है। जैसे आप एक, मान लीजिए, च वर्ड आपको पढ़ाना है, तो च से आप दो चीज पढ़ा सकते हैं, च से चम्मच भी हो सकता है और च से चरखा भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप ये सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, चम्मच ज्यादा देखा होगा कि चरखा देखा होगा? तो आप सभी को पता है कि एक छोटा सा बच्चा चम्मच ज्यादा देखा होगा, अर्थात ये जो चम्मच है यह इसके पूर्व ज्ञान पर या पूर्व अनुभव पर आधारित है। और चम्मच अगर इसके पूर्व ज्ञान पर आधारित है तो हम च का संबंध चम्मच से बनाएंगे, अर्थात च का साहचर्य जो होगा वह च का साहचर्य चम्मच से बनाएंगे, ना कि चरखा से, क्योंकि चरखा उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। अगर च का संबंध हम चरखा से साहचर्य बना देते हैं तो बच्चा केवल रटेगा, सीख नहीं पाएगा। तो मारिया मॉन्टेसरी ने कहा कि आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि 3 से 6 वर्ष के लिए ज्यादातर प्रयोग होगा, यानी बच्चा वर्णमाला इस विधि के द्वारा बड़े आराम से सीख लेगा। तो जब बच्चा छोटा है तो उसे किसी भी चीज से, जैसे आपको 3 पढ़ाना है, 3, तो आप 3 गोलियों का प्रयोग करिए, उन 3 गोलियों से उस 3 जो शब्द है, 3 जो है गिनती जो है अंक है, उसका क्या करिए? संबंध बना दीजिए। बच्चा उस 3 गोली को देखते देखते 3 को सीख जाएगा। तो बहुत ही आसान विधि बताया मारिया मॉन्टेसरी ने, जिसे साहचर्य विधि कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है मॉन्टेसरी विधि के जनक। मारिया मॉन्टेसरी ने अपने ही नाम पे एक और विधि दी जिसका नाम मॉन्टेसरी विधि, और मॉन्टेसरी विधि आप सभी लोग जानते हैं कि यह विधि खेल पर आधारित विधि है और इसमें बच्चे स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक करके सीखते हैं। तो दोस्तों, शिक्षण में जितने भी आपको मनोवैज्ञानिक मिलते हैं ज्यादातर स्वयं करके सीखने पर ही बल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक है,
गतिविधि आधारित शिक्षण है या रचनावादी या खोज मॉडल पर आधारित है और प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम बच्चों को रंग प्रशिक्षण कराना चाहते हैं, रंग प्रशिक्षण यानी रंगों का ज्ञान करवाना चाहते हैं, रंगों की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, और हम विधि अपनाएंगे कौन सी, मॉन्टेसरी विधि। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ढेर सारे कलर, लाल, पीला, हरा, नीला, ऑरेंज, जितने भी कलर होते हैं सारे कलर के गुब्बारे हम फुलाएंगे और उस गुब्बारे को एक कोने में रूम में क्लासरूम में रख देंगे। अब एक बच्चे से बुलाएंगे, तुम बेटा इधर आओ, बच्चा आएगा, कहेंगे जाओ बेटा लाल वाला गुब्बारा लेकर आओ, तो बच्चा अभी जानता नहीं है कि कौन सा गुब्बारा लाल है, तो वह बच्चा दौड़ा हुआ आएगा और उस गुब्बारे के पास जाएगा, बस इसलिए क्योंकि बच्चे को खेलने वाली चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं, खासकर जब बच्चा 3 से 6 वर्ष या 2.5 से 6 वर्ष का हो। बच्चा दौड़ा 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 जाएगा और एक गुब्बारा लेकर आएगा, वो चाहे लाल वाला उठ जाएगा तो लाल वाला लाएगा, पीला वाला उठ जाएगा तो पीला वाला लाएगा, नीला वाला उठ जाएगा तो नीला वाला लाएगा, लेकिन एक गुब्बारा क्या करेगा, लेकर आएगा। जो वह गुब्बारा लेकर आएगा त्यों आपके हाथ में जब देगा तो आप देखेंगे अरे यह तो पीला वाला गुब्बारा लेकर आया, तो आप क्या कहेंगे, बेटा तुमने लाल वाला नहीं बल्कि पीला वाला गुब्बारा लेकर आया। तो बताइए बच्चा लाल, आपने लाल मंगाया उसने पीला लाया, बच्चे को लाल का ज्ञान तो नहीं, लेकिन जब पीला वाला लेकर आया आपने कहा बेटा यह पीला है बल्कि लाल नहीं है, तो पीले रंग का ज्ञान जो है उस बच्चे को हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे जब आप 50 बार 100 बार यही प्रक्रिया दोहराएंगे तो सारे बच्चे रंगों को सीख चुके होंगे। ऐसे आप गिनती सिखाना है, तीलियों का प्रयोग कर लीजिए, कांच की गोलियों का प्रयोग कर लीजिए, ऐसे ही तमाम तीलम का प्रयोग करके आप खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने सिखा सकते हैं। ऐसी ही विधि को हम मॉन्टेसरी विधि कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे साहचर्य से आने वाले कुछ क्वेश्चन बड़े कंफ्यूज करते हैं, जैसे साहचर्य विधि की जनक तो मारिया मॉन्टेसरी है ये हमने जान लिया, लेकिन यहीं पे अगर शब्द जोड़ दे और शब्द साहचर्य विधि कह दे तो शब्द साहचर्य विधि या शब्द साहचर्य परीक्षण के जनक जो है फ्रायड एवं युंग है, जो व्यक्तित्व मापन से संबंधित है, जो शब्द साहचर्य परीक्षण है व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों अनुबंधन साहचर्य, इसका जो जनक है पावलाव है, हमने आपको बताया अनुबंधन या कंडीशनिंग, कितना भी बड़ा सीटेट का क्वेश्चन आ जाए कहीं पे अनुबंधन या कंडीशनिंग लिखा है तो उसका उत्तर कौन होता है, पावलाव। तो दोस्तों इस तरीके से यह पूरा वीडियो समाप्त हो गया। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, उस पर बहुत ही बाकायदे बेहतरीन तरीके से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।